दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो पुरानी पोल्ट्री की बैच होती है उसको आपने सेल आउट कर दिया, उसके बाद आपको आने वाले 20-25 दिन में 15 दिन में नई बैच डालनी है, तो उसके पहले आपके पूरे के पूरे शेड को क्लीन करना होता है। ठीक है, पूरे के पूरे शेड को क्लीन करके आपको कार्सोलिन, फॉर्मोलिन, फ्यूमिगेशन, इस तरीके के मेडिसिन का इस्तेमाल करके आपको प्रॉपर तरीके से आपके पूरे के पूरे पोल्ट्री शेड को क्लीन करना होता है, डिसइंफेक्टेंट करना होता है। तो आज के स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिसइंफेक्टेंट करने के लिए कार्सोलिन और फॉर्मोलिन का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, यह आज की वीडियो में बताऊँगा। और फ्यूमिगेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है, इसकी प्रोसेस किसी में आपको दूसरे वीडियो में समझा कर बताऊँगा। एक बार यहाँ पर ये मेडिसिन को फोकस कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो नए पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं उनको मेडिसिन के नाम नहीं पता होता है। तो सबसे पहले एज अ डिसइंफेक्टर हम कार्सोलिन TH मेडिसिन का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है एज अ डिसइंफेक्टेंट। जब कभी आप नई बैच डालते हो उसके आने के पहले एज अ डिसइंफेक्टेंट आपके शेड को क्लीन करने के लिए काफ़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है। और इसका तो नाम आप सभी ने सुना होगा, फॉर्मालिन TH 20% 40% 60% कॉन्सेंट्रेशन में आता है। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पोल्ट्री फार्मिंग के सेक्टर में, अगर आपको आपके शेड का डिसइंफेक्शन करना है तो। तो कितने स्क्वायर फीट पर कार्सोलिन TH कितने लीटर पानी में कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए, कितने लीटर पानी में कितने स्क्वायर फीट एरिया के लिए फॉर्मोलिन कितना इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक के पूरा का पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। डिसइंफेक्टेंट करने के पहले कौन सी महत्वपूर्ण बातें आपको करनी पड़ती है, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। जैसे कि आप वीडियो के स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे दोस्तों, ये टार्पल ब्रांड की जो ताड़पत्री है जो पीले कलर में आपको दिख रही है, ठीक है, ये पूरी की पूरी ताड़पत्री, जैसे कि आप इस साइड में भी दिखा सकते हो और उस साइड में भी दिखा सकते हो, हमने हमारे ये जो पूरा का पूरा 7-8000 स्क्वायर फीट का जो पूरा का पूरा लंबा शेड है उसको पूरी तरीके से एयरटाइट कर लिया है दोस्तों। यह दोस्तों एयरटाइट कर लिया है, ऊपर से भी आप देख पा रहे हो कि किसी भी प्रकार की गैप नहीं है, साथ ही साथ नीचे से भी आप देख पा रहे हो किसी की तरफ से गैप नहीं है। साथ ही साथ हवा आने के बाद जो हमने स्प्रे शेड के भीतर में किया है वो स्प्रे बाहर में ना आना चाहिए, इसलिए हमने नीचे से भी इसको कील ठोकी हुई है। तो इस तरीके से सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि कोई भी डिसइंफेक्टेंट करते समय आपको आपके शेड को पूरी तरह से एयरटाइट कर लेना पड़ता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है और यही मेन बात होती है। तो वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और हार्ड बुक का एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि मेडिसिन का डोज और मात्रा कितनी इस्तेमाल करनी है। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ईबुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 9172611443 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं कार्सोलिन TH की मात्रा कितने स्क्वायर फीट एरिया में आपको इस्तेमाल करना है उसकी जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, अगर दूर से वीडियो में आपको ये अगर कार्सोलिन TH नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो के स्क्रीन पर मैं आपको इस मेडिसिन का फोटो दिखवा लेता हूँ। तो कार्सोलिन TH दोस्तों दो प्रकार से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ डिसइंफेक्टेंट, प्रिवेंटिव डिसइंफेक्टेंट, और जो हमारी यानी कि शेड में अगर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो एक प्रकार से उसको पूरी तरह से कवर अप करने के लिए एज अ प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज अ प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट कार्सोलिन TH को कितना इस्तेमाल करना है। इन प्रेजेंस ऑफ बर्ड इस्तेमाल करने का इसका डोज अलग होता है, और एम्प्टी शेड में जब आपके पोल्ट्री शेड के भीतर किसी भी प्रकार का कोई भी मुर्गियाँ नहीं होती उस समय में इसका रिकमेंडेशन डोज अलग होता है। तो ये दो पर्पज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फार्मोलिन ये जो मेडिसिन होती है दोस्तों इन प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी मैं आपको बता दूं कार्सोलिन TH का इस्तेमाल कितना करना है किसी स्क्वायर फीट एरिया में। देखिए, अगर 1000 स्क्वायर फीट एरिया का मैं आपको इसकी पूरी की पूरी डोज समझा कर बताता हूँ। 1000 स्क्वायर फीट के लिए दोस्तों, जैसे कि आप ये स्प्रेयर पंप देख पा रहे हो, आपको 10 से लेकर 12 लीटर पानी लेना है और 10 से लेकर 12 लीटर पानी में कार्सोलिन TH आपको तकरीबन 10 ml प्रति 1 लीटर में, यानी कि तकरीबन आपको 100 ml कार्सोलिन TH 10 लीटर के पानी में 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में इस्तेमाल करना है। समझ पा रहे हो बातों को? अगर इन केस आपके प्रीवियस बैच में किसी भी प्रकार का वायरल प्रॉब्लम आया होगा, जैसे कि ND हो गया,
उसके बाद गंबोरो हो गया, इस तरीके के वायरल प्रॉब्लम अगर आपके शेड में आए होंगे तो आपको इसका डोज 3 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 1 लीटर पानी में आपको 30 ml का एसोलिन pH का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसका मतलब 10 लीटर पानी में आपको 300 ml का एसोलिन का इस्तेमाल करना है 1000 square feet एरिया के लिए, ठीक है दोस्तों। अभी हम चलते हैं फार्मोलिन का डोज कितना इस्तेमाल करना है। ये दोस्तों आप फार्मोलिन की मशीन देख पा रहे हो, अगर दूर से आपको ये फार्मोलिन नहीं दिख रही तो वीडियो के स्क्रीन पर मैं इसका फोटो दे देता हूँ। तो फार्मोलिन का दोस्तों इस्तेमाल करना है आपको 10 लीटर पानी 1000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए 50 ml प्रति 1 लीटर पानी में। इसका मतलब 10 लीटर पानी में आपको 500 ml फार्मोलिन इस्तेमाल करना है। इनकेस अगर आपके प्रीवियस बैच में किसी भी प्रकार का वायरल प्रॉब्लम होगा, जैसे कि एनडी, रानीखेत, गंबोरा, ठीक है, या फिर अन्य कोई भी वायरल प्रॉब्लम, साथ साथ बर्ड फ्लू, कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, तो फार्मोलिन के इस्तेमाल भी आपको 3 गुना ज़्यादा करना पड़ेगा। 10 लीटर पानी में 1000 स्क्वायर फीट के एरिया के लिए आपको 150 ml प्रति 1 लीटर पानी में डालना पड़ेगा। इसका मतलब 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में 10 लीटर पानी में आपको 1.5 लीटर फार्मोलिन डालना पड़ेगा। ये दोस्तों दोनों के दोनों भी मेडिसिन कार्सोलिन और साथ ही साथ फार्मोलिन काफ़ी अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं, और पोल्ट्री सेक्टर में बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर 90% यही दो मेडिसिन ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गई दोस्तों इसके डोज की मात्रा। अभी हम हमारे पोल्ट्री फार्म में किस तरीके से उसका स्प्रे कर रहे हैं इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो में दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमने ये जो शेड आप देख पा रहे हो, पहले के इसमें डिसइंफेक्शन की फवारी करते समय हमने फार्मोलिन मेडिसिन का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो अभी हम कार्सोलिन TH का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने फार्मोलिन का इस्तेमाल किया, उसके बाद 3 दिन पूरी तरह से हमने शेड बंद रखा। अभी हम कार्सोलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमारा एक ब्लॉक 2500 स्क्वायर फीट का है, तो हमारा 20 लीटर का पंप ले रहे हैं। 20 लीटर के पंप में हमने 20 लीटर पानी भरा हुआ है, और जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो बड़ा वाला डिच्चू है ये 210 ml का है, और 20 लीटर पानी में हम 200 ml कार्सोलिन डाल रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमारा पंप भर के रेडी हो गया है, अभी हम आपको स्प्रे किस तरीके से करी जाती है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, जिस शेड के भीतर में हम आए हुए हैं, यह हमारा 2000 स्क्वायर फीट का ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फार्मोलिन के ऑलरेडी स्प्रे करा हुआ था, अभी हम यहाँ पर कार्सोलिन का स्प्रे कर रहे हैं। तो कार्सोलिन का स्प्रे करने के पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने पूरे के पूरे शेड को प्लास्टिक से पूरा का पूरा एयरटाइट कर लिया है, पूरे के पूरे बर्तन को हमने पूरा क्लीन करके यहाँ पर प्लेस कर दिया है। जो भी ब्रूडर होते हैं वहाँ वो भी हमने लटवा के रख दिए है, जैसे कि जब कभी भी आप डिसइंफेक्शन करते हो, इस तरीके का स्प्रे करते हो, तो बर्तन भी एक तरीके से क्लीन हो जाते हैं फिर से दोबारा, और साथ ही साथ जो ब्रूडर लटके हुए हैं ये भी फिर से दोबारा क्लीन हो जाते हैं। तो बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई जब कभी भी डिसइंफेक्शन की फवारनी करते हैं, तो डिसइंफेक्शन होने के बाद वो बर्तन लगवाते हैं, उसके बाद वो ये ब्रूडर वगैरह लगवाते हैं। तो दोस्तों इनकेस अगर आपके बर्तन या फिर आपके ये जो ब्रूडर होते हैं ये प्रॉपर तरीके से अगर क्लीन नहीं हुए होते हैं, तो जब कभी भी अगर आप डिसइंफेक्शन करते हो तो ऐसे में आपका ये सेकंड बार में पूरी तरीके से वो क्लियर हो जाता है। तो डिसइंफेक्शन करते समय कुछ 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना होता है दोस्तों। ये जो दीवार होती है दोस्तों, दीवार से कम 3 फीट के ऊँचाई पर आपको अच्छी तरीके से उसका स्प्रे करना होता है। रहे वाले बर्तनों पर काफ़ी अच्छे से उसका स्प्रे करना होता है, रहे वाले कॉलम पर उसका काफ़ी अच्छे से स्प्रे करना होता है, और ये जो फर्श होती है दोस्तों, चाहे फिर आपका ग्राउंड लेवल पर ज़मीन हो या फिर कंक्रीट का फ्लोर हो, यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे से स्प्रे करना होता है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी कीटाणु यहाँ पर मौजूद ना रहे। और से एक बात बता दूँ, ये जो हम स्प्रे कर रहे हैं, ये कार्सोलिन TH का स्प्रे है, ये ज़्यादा कुछ आँखों में जलन वगैरह नहीं करती, इसीलिए हम किसी भी प्रकार से नाक पर कोई भी दुपट्टा या फिर आँखों पर चश्मा नहीं लगा रहे। लेकिन जब कभी भी हमने फार्मोलिन का स्प्रे किया है, तब हमको ज़रूर से ज़रूर आँखों पर चश्मा और नाक पर किसी भी प्रकार का एक कपड़ा वगैरह लगवाना होता है, जो कि फार्मोलिन का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, गले में काफ़ी ज़्यादा खरखर करता है, साथ ही साथ गला बैठ जाता है,
आंखों में काफ़ी ज़्यादा जलन होती है, तो इस तरीके से कुछ दो तीन बातों का आपको मेनली ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको यूजफुल लगी होगी। तो वीडियो छोड़कर जाने के पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह का एक पोल्ट्री का नॉलेजेबल वीडियो लेकर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मन में कोई कमेंट होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। उस कमेंट का रिप्लाई करने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। चलो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।